भाई दोबारा से अपने घर आ चुके हैं और यार बारिश पड़ रही है यहाँ बहुत ज़्यादा तेज। अभी रुकी है, मैं अभी पूरे रास्ते ऐसे ही आया हूँ, बस भीगता भीगता ही। वो तो अच्छी बात है, मैंने छाता रख लिया था। और यार अपने घर आके सुकून अलग ही मिलता है। बाकी सारे मेरे साथ के लड़के भी कल या परसों को निकल जाएंगे। मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, मतलब आज क्लास थी नहीं, कल की छुट्टी मान लेंगे क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। अब करेंगे घर पे जाके थोड़ा सा आराम, नहाऊंगा धोऊंगा क्योंकि मैं नहाया भी नहीं था और सुबह जिम भी गया था, तो ऐसे ही हो रहा है मामला भी डामाडोल सही। तो फटाफट पहले नहाते हैं धोते हैं फिर खाना खाएंगे, फिर तुम लोगों से मिलते हैं। भाई जस्ट अभी नहाया धोया हूँ और खाना वाना खा के हो चुके हैं सेट। और भाई इसके साथ का मुझे पहनना तो चाहिए था पजामा, लेकिन वो पैर में चोट लग रही है ना, तो इस वजह से पहना नहीं। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन पहनेंगे तो दिखा देंगे तुम लोगों को। अभी मैं जा रहा हूँ क्या करने, मैं सोच रहा हूँ यार व्लॉग एडिट कर लेता हूँ क्योंकि यार बहुत सारी एडिटिंग बची हुई है और मेरा मन नहीं कर रहा है एडिटिंग करने का। तो मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग कर लेता हूँ पहले, और फिर कल है पूरे दिन दावत, मतलब शादियाँ हैं, एक मोहल्ले में हमारे जागरण है वो भी, उसकी दावत है, घर का इनॉग्रेशन है उसकी दावत है, बहुत दावतें हैं कल, दावत ही दावत। तो और शाम को मुझे चिंटू से लेनी है दावत। अभी करता हूँ फ़ोन मोटे धामों को कि भाई दावत का सीन बताओ क्या है, कैसे करना है ये बताओ हमें तुम पहले। ताना भैया आज की छुट्टी थी स्कूल की, तू गए क्यों नहीं स्कूल? स्कूल गए थे। हाँ। प्रत्युष भी गया था? नहीं। वो क्यों नहीं गया? यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तुम्हारे, बताओ कैसे गया पेपर फिर तुम्हारा? बहुत इजी था। सही बात है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या भारी क्या इजी। सोचना तो हमें है। प्रत्युष आप क्यों नहीं गए थे आज स्कूल? आप बस छूट गई, बस क्यों छूट गई? मम्मा ये उठाया नहीं था ना। अच्छा मम्मा ही उठाएगी, तुम खुद नहीं उठ? हाँ बारिश हो रही थी इसलिए नहीं उठाया था। और तुम खुद नहीं उठ सकते हो अब, तुम्हें मम्मा ही उठाएंगी क्या अभी तक? मैं खुद उठ गया था। तुम बड़े हो गए हो या छोटे ही हो अभी भी, बताओ जल्दी बताओ, आप बड़े हो गए हो या फिर अभी भी छोटे ही हो? बड़ा। बड़े हो गए हो ना, तो बड़े बच्चे अपने आप उठ जाते हैं स्कूल जाने के लिए, जैसे कान्हा भैया उठ जाते हैं, पर नहीं तुम्हें तो छुट्टी मारनी होती है स्कूल की, है ना? भाई थक गए आज तो भैया ट्रैवल करके। और यार जस्ट अभी मैंने धामू को कॉल करी थी कि भाई कहाँ पर हो, दावत दो हमें, बट धामू ने कहा भाई मैं तो शादी में आया हुआ हूँ हरिद्वार, आस पड़ोस में भी नहीं है, हरिद्वार है भाई साहब हमारे, तो वो आएगा कल को। कल को मैं बिज़ी हूँ क्योंकि कल को मुझे जाना है बहुत सारी शादियों में, तो मैं उससे मिलूँगा परसों, और आज शाम को मिल लेंगे आर्यन से क्योंकि आर्यन भी पंजाब से आ रहा है आज, और अगर आर्यन भी नहीं मिलता है तो मिल लेंगे गुरु से क्योंकि गुरु का भी फ़ोन आया था मेरे पास, भाई जब आएगा तो मेरे से मिल लियो, तो उससे भी मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें तो मिलना है, कोई एक मिल जाए अपना शाम कट जाएगी, तो उनसे मिलते हैं, अगर कोई नहीं मिलेगा तो अपनी वेब सीरीज देख लेंगे। और यार मैं ये सोच रहा कि यार आज मैं अपनी फेमस लाइन तो बोलनी बोली है, मैंने आज तो तुम लोगों को इनवाइट करा ही नहीं है कि यार आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं विद द सेम एनर्जी सेम इंटेंसिटी, लाइन नहीं चुराते हैं हम तो। और वही क्या हाल है सबके, तो यार आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तुम्हें मैंने बताया था जब मैं आया था कि कितनी तेज बारिश हो रही है, और अभी मौसम दिखाऊं तुम्हें कैसा हो रहा है, मतलब सिर्फ दो घंटे बाद, सिर्फ और सिर्फ दो घंटे बाद अब निकल चुकी है धूप, सुहानी धूप 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 सुहानी धूप धूप धूप। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी कर लूँ GFG और लीड कोड का डेली क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मैं जाऊँगा घूमी करने। नहीं गाने तो बजेंगे फुल तेज बजेंगे, तो भाई अभी चल रही है लीड कोड पे पढ़ाई और गाने मैं सुन रहा था, वो ज़रा उधर मम्मी जी बात कर रही हैं क्योंकि आया है दीदी का फोन। कहाँ चले गए मम्मी जी? ये देखो ये कर रहे बात, और मैं यहाँ बैठे कर रहा हूँ अपना लीड कोड GFG का क्वेश्चन। और भाई लीड कोड पे यार पता नहीं क्या हुआ है, अभी इनका सर्वर मेंटेनेंस पे चले गए यार, मतलब अगर मेरा सबमिट नहीं हुआ और अगर मेरी स्ट्रीक टूट गई तो भाई साहब मैं इनकी जान खा जाऊँगा, मैं नहीं जानता भाई, मेहनत लगती है यार, 80-85 दिन की स्ट्रीक चल रही है मेरी, ऐसे थोड़ी टूटने दे सकता हूँ मैं। और ये मतलब इनके पास एक टाइम मशीन का ऑप्शन है कि तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो पीछे जाके अगर तुम्हारी स्ट्रीक टूट रही है, तो
तो भाई हम क्यों, और उसके लिए हमें 60 या 70 जो अपने पॉइंट्स होते हैं ना जो इसमें मिलते हैं डेली क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो देने पड़ते हैं, तो हम क्यों दें? ये तुम्हारी गलती है। मैं और अरे फ़ोन गिर गया था, अभी फ़ोन टूट गया था भाई। तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? मैं तो बैठे कर रहा हूँ, अब तुम्हारा सर्वर नहीं चल रहा, तुम मेंटेनेंस ब्रेक पे जा रहे हो, इसमें हमारी क्या गलती है? तो भाई मैं नहीं जानता, तो फिलहाल अभी मैं GFG का कर लेता हूँ, मुझे तो करनी ही है दोनों के, तो इसका छोड़ के GFG का कर लेंगे। अपने को क्या है, अपने को तो क्वेश्चन करना है और गाने सुनने। और यार अपने घर के बगीचे के आड़ू खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये देखो अपने घर का आड़ू ना, ये ऐसा रहता है, ये नेचुरली रेड है, और अगर तुम बाहर से लेके आओगे ना तो वो करे रहते हैं स्प्रे, और वो रहता है कैड़ा, वो मीठा भी नहीं रहता, समझे? और अभी मैं जा रहा हूँ टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि मैंने वहाँ तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया नहीं था, तो मैंने सोचा एक बार लगवा लेते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और छोटा मथुर आ गया उधर पिताजी नहीं है। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बूम।